हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीओ। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में शेयर करने वाला हूँ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपने तो कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे कितना सारे इन्फॉर्मेशन देखे होंगे, जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर बहुत ऐसे कंपनी है जो कि स्मार्टफोन कंपनी है, जैसे वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईकू। तो इतने सारे ब्रांड है और एक ही कंपनी का, ऐसा क्यों है, क्या है, कितने सारे क्वेश्चन है, लेकिन जितने सारे क्वेश्चन हो वो तो काफ़ी लंबा है, लेकिन सभी कुछ में आपको डिटेल में आज उसका आंसर मिल जाएगा। जितने सारे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर आपके मन में जितना भी डाउट है ना, सभी कुछ डाउट को इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, बिना कोई टाइम उससे जल्द से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये कह दूँ कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको किसी ने वीडियो में शेयर किया होगा। तो गाइस, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना लोगों के पास हो सके ना, उतना लोगों के पास जल्दी से जल्दी अभी शेयर बटन दबाओ भाई, सभी के पास पहुंचा दो और लाइक कर दो, बस बैठ जाओ इस वीडियो को आगे एंजॉय करते रहो। तो मेरा नाम है ज्ञान प्रधान और आप देख रहे हो ज्ञान फॉर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, बिकॉज जेन्युइन इज रियल। तो गाइस, पहले बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, किस तरह से बिल्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, फिर यहाँ पर प्रेजेंट में आएंगे। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स डुआंग यंगपिंग ने 1995 में बनाया था। इससे पहले वो एक दूसरे कंपनी सुबोर इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। सुबोर इलेक्ट्रॉनिक्स का हालत बहुत ही खराब था, तो डुआंग यंगपिंग ने उसे दोबारा से बचाया और अपने लीडरशिप पे कंपनी को बहुत ही आगे बढ़ाया। और इसी कंपनी की लर्निंग मशीन और गेमिंग कंसोल बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ था। और इसी एक्सपीरियंस के साथ डुआंग यंगपिंग ने 1995 में अपना नया कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाया और इसी के स्टार्टिंग में डीवीडी प्लेयर, एमपी3 प्लेयर बेचने के स्टार्ट किया और इसी से साथ यहाँ पर फीचर फ़ोन भी बेचने के स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके सेल्स डाउन होने लगे, कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। तो यहाँ से 2001 में डुआन ने अपना ओप्पो कंपनी को बनाया, जो कि बीबीके का अंडर सब्सिडरी चाइल्ड ब्रांड बन के आया। और ओप्पो भी अपना म्यूजिक प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, टीवी, कैमरा सब कुछ बनाने लगा। फिर 2007 में जब स्मार्टफोन का एंट्री स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम से ओप्पो ने भी अपना स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया। फिर 2009 में बीबीके ने अपना और एक सब्सिडरी वीवो को लॉन्च किया और दोनों कंपनियां मिला के मिड रेंज स्मार्टफोन, कैमरा फोन, म्यूजिक फोन बना के बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत सारे एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटीज और बैनर होर्डिंग्स पे बहुत ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को गेन किया। ओप्पो के कार्ल्स व्यू और पीट लियो ने वन प्लस बनाया, जो कि ओप्पो का सब्सिडरी बना, पर वन प्लस को सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप फोन के ऊपर और प्रीमियम फोन के ऊपर ही फोकस करवाया गया। और इसी के साथ यहां पर वन प्लस ने ओप्पो और वीवो की तरह एडवर्टाइजिंग को बिल्कुल फोकस ना करते हुए माउथ पब्लिसिटी और यहां पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेल के ऊपर स्टार्ट किया, और जिसी के साथ यहां पर वन प्लस तो आज बहुत ही सक्सेस रहा है। इसके बाद 2018 में Redmi के दमदार स्मार्टफोन को कम्पीट करने के लिए Oppo का और एक सब्सिडियर को लॉन्च कराया गया, जिसका नाम था Realme, जो कि स्पेशली इंडिया के लिए था। हालांकि अभी चाइना और यूरोप में भी एक्सपैंड कर चुका है। और इसके अंदर यहां पर OnePlus और Realme का ऑनलाइन सेल और ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही हाइक हो चुका था। और इसी दौरान यहां पर Vivo ने भी अपना एक फ्लैगशिप ब्रांड को भी लॉन्च किया, जिसका नाम है Iqoo, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ और 2020 में आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सब कुछ डिटेल में दिखाया, किस तरह से बिल्ट हुआ, क्या कुछ हुआ और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को किस तरह से गेन किया, तो यही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यही मार्केटिंग जो प्लानिंग था, जो एग्जीक्यूशन था, ये सिर्फ बीबीके कंपनी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं। जिस तरह के कार्स कंपनी में से अगर मैं चुनूं, तो इस तरह के जैसे कि वोक्सवैगन के अंडर कितने सारे कार कंपनियां, जैसे ऑडी, बेंटली, बुगाटी, स्कोडा, लैम्बोर्गिनी और बहुत सारे कार कंपनियां हैं जिसका अपना अपना फैन बेस है, जितना अपना अपना ब्रांड का वैल्यू है, तो इस हिसाब से सभी का यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है सभी कुछ पैरेंट कंपनी को ही जाता है। वैसे तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत सारे कंपनियां अपनाते हैं। फिलहाल अगर हम डेली लाइफ में जो कुछ भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसका अगर हम बात करें, जैसे कि हम पैंट्री और ग्रोसरीज के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे भी बड़े बड़े ब्रांड सामने आते हैं, जिस तरह के P&G और यूनिलीवर, ITC और नेस्ले, इस तरह की कंपनियां अपना अपना सब ब्रांड को लॉन्च करती है और उसका एक फैन बेस बनाती है। और उसका जो फैन बेस, उसका जो सेल वैल्यू होता है, वो वैल्यू को सभी कुछ जो क्रेडिट होता है, सभी को जो प्रॉफिट होता है, सभी कुछ पैरेंट कंपनी जैसे नेस्ले को जाता है। जिस तरह के सभी कुछ स्मार्टफोन की कंपनियां, जिस तरह के मैंने आपको बताया, जो कि ओप्पो, वीवो, रियलमी और IQ, जिस तरह के वन प्लस भी है, जो जिस तरह के ये सब परफॉर्म करते हैं, सभी कुछ क्रेडिट, सभी कुछ प्रॉफिट एक ही कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को ही जाता है। तो सभी कुछ का फायदा तो एक ही को हुआ ना, जो कि नेस्ले कह लो या फिर बीबीके के कह लो, ये सब अपने अपने पेरेंट कंपनी को फायदा होता है। और इसके अलावा और भी कुछ फायदे जो कि आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, जिस तरह के अभी रिसेंटली आपने एक गौर किया होगा, जो कि नेस्ले कंपनी का मैगी जो प्रोडक्ट था, मैगी को बैन कर दिया गया था।
तो इससे क्या हुआ ना कि मैगी को बहुत सारा फर्क पड़ा, जो कि मैगी का सेल तो बहुत ही डाउन हो गया, मैगी फिलहाल तो बैन हो गया था, लेकिन नेस्ले को बिल्कुल भी फर्क इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नेस्ले का बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल थे, सिर्फ मैगी का खत्म हो जाने से नेस्ले कंपनी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैगी के अलावा बहुत सारे ऐसे कंपनियां थे जिस तरह के और किसी भी प्रोडक्ट को, नेस्ले कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा मैगी के बैन होने से। तो यही भी एक फायदा रहता है, क्योंकि अगर इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को नहीं अपनाए, जैसे कि अब सिंपल बात कर ले, सिंपल एक ब्रांड के ऊपर जो कि पतंजलि, पतंजलि का कितना सीरीज निकल रहा है, पतंजलि का कितना प्रोडक्ट का अभी सीरीज निकल रहा है, उसी प्रोडक्ट में से अगर एक भी प्रोडक्ट खराब निकलता है या फिर एक भी प्रोडक्ट का कुछ नाम अगर कुछ भी खराब होता है या फिर एक भी प्रोडक्ट बैन होता है, तो उसमें से क्या होगा कि सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग वैल्यू कम हो जाएगा, वो चाहे सारे प्रोडक्ट बैन हो या फिर ना हो, लेकिन सारे प्रोडक्ट के मार्केटिंग वैल्यू और सेल के ऊपर बहुत तो डिक्रीज होगा, बहुत तो नुकसान होगा, ये तो गारंटेड है गाइस। तो यही सब होता है सभी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल में क्लियर कर दिया, जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये जो स्मार्टफोन का जो ये सर्कल है और ये किस तरह से बिल्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, एक डूबता हुआ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को किस तरह से रीबिल्ड किया गया, क्या कुछ किया गया, और ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या था क्या नहीं, सभी कुछ डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपके ऊपर अभी कोई भी डाउट नहीं होगा बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो कुछ भी मैंने आपको बताया, जैसे कि और भी कई ब्रांड्स है, तो आई होप आपके सब कुछ यहाँ पर जितने सारे दिमाग में चले थे ना डाउट, सब कुछ डाउट यहाँ पर चला गया होगा। अगर और भी कुछ डाउट है ना भाई, तो कमेंट जल्दी से जल्दी कमेंट मारो कि भाई क्या डाउट है क्या नहीं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं और एक दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का देरी कर रहे हो भाई, अभी कभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर करना जरूर से जरूर कर देना, और कमेंट भी कर देना क्या चला है क्या बोला है सभी कुछ, और इसके साथ जल्दी से मिलते हैं और वीडियो में, थैंक यू सो मच।